हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा आज के टॉप 3 अपडेट के बारे में, जिसको जानकर आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो, और उसी के साथ बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है थॉर 4 से रिलेटिव। थॉर 4 का जो कैरेक्टर है मेन जेन फोस्टर, जिसके ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है, जेन फोस्टर का जो कैरेक्टर प्ले करती है नैटली पोर्टमैन, उन्होंने आज के दिन एक खुलासा करा कि उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है थॉर लव एंड थंडर की। अब आप कहोगे कि ट्रेनिंग किस बात की, ये तो नॉर्मल एक कैरेक्टर है। भाई वो लेडी थॉर का कैरेक्टर प्ले करने वाली, उन्होंने ये चीज रिवील करी। वैसे तो आजकल नैटली पोर्टमैन न्यूयॉर्क की सड़कों पे काफी ज्यादा घूमती नजर आ रही है, पर आपको वो घूमती नजर नहीं आएंगी क्योंकि उनकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और तो उन्होंने रिवील ये करा कि उनका जो कैरेक्टर है वो एक बीमार लेडी का है, यानी कि उन्हें एक बीमारी का सामना करना पड़ेगा, वो नाम है कैंसर। जी हाँ, पर एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा होगा कि सारे फैन थिएटर में खड़े हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, पर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी भी शूटिंग का अपडेट आ जाएगा कि कब से प्रॉपर शूटिंग स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली अब मल्टीवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, पर दो रूमर काफी तगड़े आए हैं। सबसे पहला जो रूमर आया है वो है डैन की तरफ से। तो डैन अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में रिटर्न हो रहे हैं, एज अ कौन सा रोल ये पता नहीं, पर मे बी हैरी ओसबॉर्न के रोल में अगर ये रिटर्न होते हैं तो मल्टीवर्स कंफर्म है ही है। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है मेरी जेन का। जी हाँ, अब मेरी जेन वही वाली पुरानी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की क्रिस्टिन, जो कि बहुत ही सभी को प्यारी लगती हैं और स्मार्ट लगती हैं, और देन मैं तो इनका फैन हो ही हूँ। तो इनका जो मेरी जेन का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और देन रूमर ये है कि इनका भी कैरेक्टर रिटर्न होगा अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में। तो गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब बात करते हैं एक और अपडेट के बारे में जो कि खास है। सेल्मा हैंक जो कि दी एंटल्स मूवी में आ रही हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये एक पोस्ट करा लक्ष्मी माँ का फोटो डालकर कि मुझे जो सुंदरता की प्रेरणा मिलती है वो लक्ष्मी माँ से मिलती है और ये मेरी बिल्कुल प्रेरणा बनी हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हॉलीवुड के लोग इंडियन गॉड्स पर विश्वास रखते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो भी लाइक कमेंट शेयर करो। जो मत इस वीडियो को नहीं देखे हो या तो उस पर थॉर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।